नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर फेनरबाचे वर्सेस अलान्यास्पोर टर्किश सुपर लीग का ये मैच 7 जैन को शाम में 9:30 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अलान्यास्पोर टेबल में 3rd पोजिशन पर है और फेनरबाचे 5th पोजिशन पर। अलान्यास्पोर 16 गेम्स खेली है जिसमें से 9 जीती है, 3 गेम ड्रॉ करे हैं और 4 गेम ये हारे हैं, जबकि फेनरबाचे 15 गेम खेली हैं पर सेम 9 गेम जीती हैं, 4 गेम हारे हैं और 2 गेम ये ड्रॉ करे हैं। अगर आप देखोगे कुल मिलाकर अलान्यास्पोर ने इन 16 गेम में केवल 12 गोल्स कंसीड करे हैं, विच इज लेस देन 1 गोल पर गेम। फेनरबाचे की बात करें तो देव एंडेड अप कंसीडिंग 20 गोल्स इन दीज 15 गेम्स, बट 30 गोल्स भी सामने स्कोर करे हैं। ये काफी मजेदार मुकाबला होगा दोस्तों, दो बराबरी वाली टीम्स के सामने होगा एंड हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस पर्टिकुलर गेम में बोथ टीम्स शुड स्कोर, बिकॉज फेनरबाचे को क्लीन शीट रखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस टू बी लाइक अ स्टेलमेट, जो कि होता है एक ड्रॉ। बात करते हैं दोस्तों दोनों टीम्स के पिछले 5 गेम की परफॉर्मेंस की, तो अलान्यास्पोर ने काफी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट होम गेम में, इस्तानबुल बासकशहीर जो पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनको 3-0 से हराया। कुल मिला के पिछले 5 गेम में ये 2 जीते हैं, 2 गेम हारे हैं और 1 गेम इन्होंने ड्रॉ करी है। एक चीज दोस्तों हमें याद रखनी चाहिए कि अलान्यास्पोर का अवे फॉर्म टेरिबल है, दे हैव लॉस्ट 4 अवे गेम्स इन द लीग सो फार और इस पर्टिकुलर गेम में भी थोड़ा सा वो ट्रिकी मामला हो सकता है। फेनरबाचे की बात करें तो इन्होंने भी लास्ट 2 गेम में बैक टू बैक विन्स करी है, 7 गोल स्कोर करे हैं और अगर आप देखोगे तो इन्होंने भी इस्तानबुल बासकशहीर जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है उनको 4-1 से हराया और ये इनकी लीग वाली फर्स्ट होम गेम वाली विक्ट्री थी, और रादर लीग में इनकी ये होम विक्ट्री आई थी ऑन द बैक ऑफ 3 कंटिन्यूअस लॉसेस। इस पर्टिकुलर गेम में जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो कसिम पसा के अगेंस्ट इनकी जो क्लीन शीट आई थी वो इस सीजन की इनकी पहली क्लीन शीट थी शायद लीग में, तो डगमगाया हुआ डिफेंस दोनों टीम्स का है इसमें कोई डाउट नहीं है। काफी उम्दा इन्होंने फुटबॉल खेली थी कसिम पसा के अगेंस्ट 3-0 जीत के और इसमें इन्होंने एक टैक्टिकल चेंज किया था वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो पेलकास करके इनके प्लेयर हैं इसको विंग्स पे ना यूज करके इन्होंने नंबर 10 पे इसको यूज करा था, जिससे इनका अटैक काफी सेंट्रल रहा था और बहुत तगड़ी गेम खेली थी। अलान्यास्पोर की बात करें तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने काउंटर अटैकिंग फुटबॉल एट इट्स बेस्ट डिस्प्ले करा था अगेंस्ट इस्तानबुल और वो रीजन है इनका 3-0 वाली विक्ट्री का। इस पर्टिकुलर गेम में दोनों टीम पंप पे रहेंगी फॉर श्योर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी यू नो अ गेम वेयर बोथ टीम्स विल स्कोर, क्लीन शीट आनी नहीं चाहिए और हमारे हिसाब से ये ड्रॉ हो सकती है। अगर हम दोस्तों बात करें कुछ की स्टैट्स की तो फेनरबाचे अपनी लास्ट 5 मैचेस एट होम अगर अलान्यास्पोर देखोगे तो दे आर अनडिफीटेड, एक भी नहीं हारे हैं। अलान्यास्पोर अपनी लास्ट 4 अवे मैचेस टर्किश सुपर लीग में हारी है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो अवे फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक है। और अगर आप फेनरबाचे की लास्ट 14 में से 12 होम गेम्स अगर देखोगे हर होम गेम में 2.5 गोल से ज्यादा पड़े हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस पर्टिकुलर गेम में एक 2-2 वाली स्कोर लाइन हो सकती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, नॉट जस्ट फॉर दिस गेम बट ऐसी कई सारी गेम्स होती हैं जिसका हम वीडियो प्रीव्यू नहीं कवर कर पाते हैं बट हमारी चैनल पे हम वो कवर कर लेते हैं फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल। बात करते हैं एक्सपेक्टेड 11 की, तो फेनरबाचे विल स्टार्ट अगेन इन 4-2-3-1। पेलकास दोस्तों ये वो प्लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा था पहले भी कि उसको इन्होंने विंग्स पे ना यूज करके नंबर 10 में यूज किया और जिससे इनका अटैक काफी सेंट्रल हुआ और काफी हेल्प मिली इनको पिछली गेम में कसिम पसा के अगेंस्ट। अलान्यास्पोर विल ऑल्सो स्टार्ट इन 4-3-3, ऊपर की तरफ कराचा, बरेरो और डेविडसन रहेंगे। की प्लेयर्स की बात करें तो फ्रॉम अलान्यास्पोर डेविडसन इनके टॉप स्ट्राइकर हैं, 7 गोल्स 1 असिस्ट इनके अब तक आए हैं और बहुत ही क्रिटिकल प्लेयर आप इनको मान सकते हो। बरेरो ऑल्सो स्कॉट 4 गोल्स एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एज फार एज अलान्यास्पोर इज कंसर्न। कराचा हैज गॉट 4 असिस्ट, अगेन अगर इस प्लेयर को आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी टीम में तो ही कैन बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल। फेनरबाचे की बात करें तो तूफान इनके लिए लीडिंग स्ट्राइकर है, अब तक 4 गोल्स 2 असिस्ट हैं इसके। अगर आप देखोगे इसके अलावा पेलकास जो कि अपन बात करते हैं इसके पहले भी नंबर 10 पोजीशन पे खेल रहे हैं आजकल, 2 गोल्स 3 असिस्ट हैं इसके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। टियाम के 2 गोल 1 असिस्ट है, अगेन ये दोस्तों वो प्लेयर्स हैं जो आपके लिए रियल डिफरेंस मेकर्स हो सकते हैं। एनर वेलेंसिया की भी 1 गोल 1 असिस्ट है और आप इसको भी अपनी टीम में चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम की, हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ बरेरो और बकासितास इन दोनों को पिक किया है, अगेन बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। मिडफील्ड में हमने क्या किया है, वी गॉट थियाम, पेलकास, तूफान, परेरा एंड कराचा, ये पांचों ही बहुत तगड़े और एक्सपेंसिव मिडफील्डर्स हैं बट वी बिलीव दे आर डिफरेंस मेकर्स और गोल स्कोर कर सकते हैं। डिफेंस में वी गॉन अहेड एंड पिक्ड अप माराफोना एंड देन 3 डिफेंडर्स हैं हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्पिनर संगारे एंड एरकिन। ये दोस्तों मोटा मोटा अपनी सजेस्टेड टीम हो गई, एक सैंपल टीम हो गई आपकी रेफरेंस के लिए जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प कर सकती है।
याद रहे, खुद की रिसर्च करके खुद की टीम्स बनानी है, हमारी टीम्स कॉपी नहीं करनी है। हमारी जो फाइनल टीम होगी वो डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले आपको हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप इसमें एंगेज कीजिएगा और इसमें ध्यान से खेलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।